राजा की नित्य चर्चा। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब निरंतर किए जाने योग्य कर्म का वर्णन करता हूं, जिसका प्रतिदिन आचरण करना उचित है। जब दो घड़ी रात बाकी रहे तो राजा नाना प्रकार के वाद्यों, बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुतियों तथा मंगल गीतों की ध्वनि सुनकर निद्रा का परित्याग करे। तत्पश्चात गूढ़ पुरुषों, गुप्तचरों से मिले। वे गुप्तचर ऐसे हों जिन्हें कोई भी यह न जान सके कि ये राजा के ही कर्मचारी हैं। इसके बाद विधिपूर्वक आय और व्यय का हिसाब सुने, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर राजा स्नान गृह में प्रवेश करे। वहां नरेश को पहले दंत धावन दांतून करके फिर स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात संध्योपासना करके भगवान वासुदेव का पूजन करना उचित है। तदनंतर राजा पवित्रता पूर्वक अग्नि में आहुति दे, फिर जल लेकर पितरों का तर्पण करे। इसके बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद सुनते हुए उन्हें सुवर्ण सहित दूध देने वाली गौ का दान दे। इन सब कार्यों से अवकाश पाकर चंदन और आभूषण धारण करे तथा दर्पण में अपना मुंह देखे, साथ ही सुवर्ण युक्त धृत में भी मुंह देखे। फिर दैनिक कथा आदि का श्रवण करे। तदनंतर वैद्य की बताई हुई दवा का सेवन करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करे, फिर गुरु के पास जाकर उनका दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लेकर राजसभा में प्रवेश करें। महाभाग, सभा में विराजमान होकर राजा ब्राह्मणों, अमात्यों तथा मंत्रियों से मिले। साथ ही द्वारपाल ने जिनके आने की सूचना दी हो उन प्रजाओं को भी बुलाकर उन्हें दर्शन दे, उनसे मिले। फिर इतिहास का श्रवण करके राज्य का कार्य देखे। नाना प्रकार के कार्यों में जो कार्य अत्यंत आवश्यक हो उसका निश्चय करें। तत्पश्चात प्रजा के मामले मुकदमों को देखे और मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करें। मंत्रणा न तो एक के साथ करे, न अधिक मनुष्यों के साथ, न मूर्खों के साथ और न अविश्वसनीय पुरुषों के साथ ही करे। उसे सदा गुप्त रूप से ही करे, दूसरों पर प्रकट न होने दे। मंत्रणा को अच्छी तरह छिपा कर रखे जिससे राज्य में कोई बाधा न पहुंचे। यदि राजा अपनी आकृति को परिवर्तित न होने दे, सदा एक रूप में रहे, तो वो गुप्त मंत्रणा की रक्षा का सबसे बड़ा उपाय माना गया है, क्योंकि बुद्धिमान विद्वान पुरुष आकार और चेष्टाएं देखकर ही गुप्त मंत्रणा का पता लगा लेते हैं। राजा को उचित है कि वो ज्योतिषियों, वैद्यों और मंत्रियों की बात माने। इससे वो ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, क्योंकि ये लोग राजा को अनुचित कार्यों से रोकते हैं और हितकर कामों में लगाते हैं। मंत्रणा करने के पश्चात राजा को रथ आदि वाहनों के हांकने और शस्त्र चलाने का अभ्यास करते हुए कुछ काल तक व्यायाम करना चाहिए। युद्ध आदि के अवसरों पर वो स्नान करके भलीभांति पूजित हुए भगवान विष्णु का, हवन के पश्चात प्रज्वलित हुए अग्निदेव का तथा दान मान आदि से सकृत ब्राह्मणों का दर्शन करें। दान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर राजा भलीभांति जांचे बूझे हुए अन्न का भोजन करे। भोजन के अनंतर पान खाकर बाई करवट से थोड़ी देर तक लेटे, प्रतिदिन शस्त्रों का चिंतन और योद्धाओं, अन्न भंडार तथा शस्त्रागार का निरीक्षण करें। दिन के अंत में सायं संध्या करके अन्य कार्यों का विचार करें और आवश्यक कामों पर गुप्तचरों को भेजकर रात्रि में भोजन के पश्चात अंतःपुर में जाकर रहे। वहां संगीत और वाद्यों से मनोरंजन करके सो जाएं तथा दूसरों के द्वारा आत्मरक्षा का पूरा प्रबंध रखें। राजा को प्रतिदिन ऐसा ही करना चाहिए। संग्राम दीक्षा, युद्ध के समय पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं रणयात्रा की विधि बतलाते हुए संग्राम काल के लिए उचित कर्तव्यों का वर्णन करूंगा। जब राजा की युद्ध यात्रा एक सप्ताह में होने वाली हो, उस समय पहले दिन भगवान विष्णु और शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मोदक, मिठाई आदि के द्वारा गणेश जी का पूजन करना उचित है। दूसरे दिन दिक्पालों की पूजा करके राजा शयन करे। शैया पर बैठकर अथवा उसके पहले देवताओं की पूजा करके निम्नांकित भाव वाले मंत्र का स्मरण करें। भगवान शिव, आप तीन नेत्रों से विभूषित रुद्र के नाम से प्रसिद्ध, वरदायक, वामन विकट रूपधारी और स्वप्न के अधिष्ठाता देवता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप देवाधि देवों के भी स्वामी, त्रिशूलधारी और वृषभ पर सवारी करने वाले हैं। सनातन परमेश्वर, मेरे सो जाने पर स्वप्न में आप मुझे ये बता दें कि इस युद्ध से मेरा इष्ट होने वाला है या अनिष्ट। उस समय पुरोहित को यज्ञाग्रतो दुरय मुदितय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तीसरे दिन दिशाओं की रक्षा करने वाले रुद्रों तथा दिशाओं के अधिपतियों की पूजा करें। चौथे दिन ग्रहों और पांचवें दिन अश्विनी कुमारों का यजन करें। मार्ग में जो देवी देवता तथा नदी आदि पड़े उनका भी पूजन करना चाहिए। द्युलोक में, अंतरिक्ष में तथा भूमि पर निवास करने वाले देवताओं को बलि अर्पण करें। रात में भूत गणों को भी बलि दें। भगवान वासुदेव आदि देवताओं तथा भद्रकाली और लक्ष्मी आदि देवियों की भी पूजा करें। इसके बाद संपूर्ण देवताओं से प्रार्थना करें। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरहरि, वराह,
शिव, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सदोज्जात, सूर्य, सोम, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर, राहु, केतु, गणेश, कार्तिकेय, चंडिका, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ब्रह्माणी आदि गण, रुद्र, इंद्रादि देव, अग्नि, नाग, गरुड़ तथा द्युलोक, अंतरिक्ष एवं भूमि पर निवास करने वाले अनन्य देवता मेरे विजय के साधक हो। मेरी दी हुई ये भेंट और पूजा स्वीकार करके सब देवता युद्ध में मेरे शत्रुओं का मर्दन करें। देवगण, मैं माता, पुत्र और भृत्यों सहित आपकी शरण में आया हूँ। आप लोग शत्रु सेना के पीछे जाकर उनका नाश करने वाले हैं। आपको हमारा नमस्कार है। युद्ध में विजय पाकर यदि लौटूंगा तो आप लोगों को इस समय जो पूजा और भेंट दी है उससे भी अधिक मात्रा में पूजा चढ़ाऊंगा। छठे दिन राज्याभिषेक की भांति विजय स्नान करना चाहिए तथा यात्रा के सातवें दिन भगवान त्रिविक्रम वामन का पूजन करना आवश्यक है। निराजन के लिए बताए हुए मंत्रों द्वारा अपने आयुध और वाहन की भी पूजा करें। साथ ही ब्राह्मणों के मुख से पुण्या और जय शब्द के साथ निम्नांकित भाव वाले मंत्र का श्रवण करें। राजन, द्युलोक, अंतरिक्ष और भूमि पर निवास करने वाले देवता तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें। तुम देवताओं के समान सिद्धि प्राप्त करो। तुम्हारी ये यात्रा देवताओं की यात्रा हो तथा संपूर्ण देवता तुम्हारी रक्षा करें। यह आशीर्वाद सुनकर राजा आगे यात्रा करें। धनन्वागा इत्यादि मंत्र द्वारा धनुष बाण हाथ में लेकर तद्व विष्णु इस मंत्र का जप करते हुए शत्रु के सामने दाहिना पैर बढ़ाकर 32 पग आगे जाए, फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में जाने के लिए क्रमशः हाथी, रथ, घोड़े तथा भार ढोने में समर्थ जानवर पर सवार होवे और जुझारू बाजों के साथ आगे की यात्रा करें। पीछे फिर करना देखें। एक कोस जाने के बाद ठहर जाएं और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करें। पीछे आती हुई अपनी सेना की रक्षा करते हुए ही राजा को दूसरे के देश में यात्रा करनी चाहिए। विदेश में जाने पर भी अपने देश के आचार का पालन करना राजा का कर्तव्य है। वो प्रतिदिन देवताओं का पूजन करे, किसी की आय नष्ट न होने दे और उस देश के मनुष्यों का कभी अपमान न करे। विजय पाकर पुनः अपने नगर में लौट आने पर राजा देवताओं की पूजा करे और दान दे। जब दूसरे दिन संग्राम छिड़ने वाला हो तो पहले दिन हाथी, घोड़े आदि वाहनों को नहलावे तथा भगवान नरसिंह का पूजन करे। रात्रि में क्षत्र आदि राजचिन्हों, अस्त्र शस्त्रों तथा भूत गणों की अर्चना करके सवेरे पुनः भगवान नरसिंह की एवं संपूर्ण वाहन आदि की पूजा करे। पुरोहित के द्वारा हवन किए हुए अग्निदेव का दर्शन करके स्वयं भी उसमें आहुति डाले और ब्राह्मणों का सत्कार करके धनुष बाण ले, हाथी आदि पर सवार हो युद्ध के लिए जाए। शत्रु के देश में अदृश्य रहकर प्रकृति कल्पना मोर्चाबंदी करे। यदि अपने पास थोड़े से सैनिक हो तो उन्हें एक जगह संगठित रखकर युद्ध में प्रवृत्त करे और यदि योद्धाओं की संख्या अधिक हो तो उन्हें इच्छा अनुसार फैला दें, अर्थात उन्हें बहुत दूर में खड़ा करके युद्ध में लगावें। थोड़े से सैनिकों का अधिक संख्या वाले योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए सूचीमुख नामक व्यूह उपयोगी होता है। व्यूह दो प्रकार के बताए गए हैं, प्राणियों के शरीर की भांति और द्रव्य स्वरूप। गरुड़ व्यूह, मकर व्यूह, चक्र व्यूह, श्वेन व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह, वज्र व्यूह, शकट व्यूह, सर्वतोभद्रमंडल व्यूह और सूची व्यूह, ये 9 व्यूह प्रसिद्ध है। सभी व्यूहों के सैनिकों को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। 2 पक्ष, 2 अनुपक्ष और 1 पांचवा भाग भी अवश्य रखना चाहिए। योद्धाओं के 1 या 2 भागों से युद्ध करें और 3 भागों को उनकी रक्षा के लिए रखें। स्वयं राजा को कभी व्यूह में नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा ही सबकी जड़ है। उस जड़ के कट जाने पर सारे राज्य का विनाश हो जाता है। अतः स्वयं राजा युद्ध में प्रवृत्त न हो, वो सेना के पीछे 1 कोस की दूरी पर रहे। वहां रहते हुए राजा का यह कार्य बताया गया है कि वो युद्ध से भागे हुए उत्साहियों को उत्साहित करके धैर्य बंधावे। सेना के प्रधान अर्थात सेनापति के भागने या मारे जाने पर सेना नहीं ठहर पाती। व्यूह में योद्धाओं को न तो एक दूसरे से सटाकर खड़ा करें और न बहुत दूर दूर पर ही, उनके बीच में इतनी ही दूरी रहनी चाहिए जिससे कि एक दूसरे के हथियार आपस में टकराने न पावे। जो शत्रु सेना की मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता है वो अपने संगठित योद्धाओं के द्वारा ही उसे तोड़ने का प्रयत्न करे तथा शत्रु के द्वारा भी यदि अपनी सेना के व्यूह भेदन के लिए प्रयत्न हो रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए संगठित वीरों को ही नियुक्त करना चाहिए। अपने इच्छा के अनुसार सेना को ऐसा व्यूह बनावे जो शत्रु के व्यूह में घुसकर उसका भेदन कर सके। हाथी के पैरों की रक्षा करने के लिए 4 रथ नियुक्त करें। रथ की रक्षा के लिए 4 घुड़सवार, उनकी रक्षा के लिए उतने ही ढाल लेकर युद्ध करने वाले सिपाही तथा ढाल वालों के बराबर ही धनुर्धर वीरों को तैनात करें। युद्ध में सबसे आगे ढाल लेने वाले योद्धाओं को स्थापित करें।
उनके पीछे धनुर्धर योद्धा, धनुर्धरों के पीछे घुड़सवार, घुड़सवारों के पीछे रथ और रथों के पीछे राजा को हाथियों की सेना नियुक्त करनी चाहिए। पैदल हाथी सवार और घुड़सवारों को प्रयत्नपूर्वक धर्मानुकूल युद्ध में संलग्न रखना चाहिए। युद्ध के मुहाने पर शूरवीरों को ही तैनात करें, डरपोक स्वभाव वाले सैनिकों को वहां कदापि न खड़ा होने दें। शूरवीरों को आगे खड़ा करके ऐसा प्रबंध करें जिससे वीर स्वभाव वाले योद्धाओं को केवल शत्रुओं का जत्था मात्र दिखाई दे, उनके भयंकर पराक्रम पर उनकी दृष्टि न पड़े, तभी वे शत्रुओं को भागने वाला पुरुषार्थ कर सकते हैं। भीरु पुरुष आगे रहे तो वे भाग कर सेना का व्यूह स्वयं ही तोड़ डालते हैं, अतः उन्हें आगे न रखें। शूरवीर आगे रहने पर भीरु पुरुषों को युद्ध के लिए सदा उत्साह ही प्रदान करते रहते हैं। जिनका कद ऊंचा, नासिका तोते के समान नुकीली, दृष्टि सौम्य और दोनों भौवें मिली हुई हों, जो क्रोधी कलह प्रिय सदा हर्ष और उत्साह में भरे रहने वाले तथा कामपरायण हो, उन्हें शूरवीर समझना चाहिए। संगठित वीरों में से जो मारे जाएं अथवा घायल हो जाएं, उनको युद्ध भूमि से दूर हटाना, युद्ध के भीतर जाकर हाथियों को पानी पिलाना तथा हथियार पहुंचाना, ये सब पैदल सिपाहियों के कार्य हैं। अपनी सेना का भेदन करने की इच्छा रखने वाले शत्रुओं से उसकी रक्षा करना और संगठित होकर युद्ध करने वाले शत्रु वीरों का व्यूह तोड़ डालना, ये ढाल लेकर युद्ध करने वाले योद्धाओं का कार्य बताया गया है। युद्ध में विपक्षी योद्धाओं को मार भगाना धनुर्धर वीरों का काम है। अत्यंत घायल हुए योद्धा को युद्ध भूमि से दूर ले जाना, फिर युद्ध में आना तथा शत्रु की सेना में त्रास उत्पन्न करना, ये सब रथी वीरों का कार्य बतलाया जाता है। संगठित व्यूह को तोड़ना, टूटे हुए को जोड़ना तथा चहार दीवारी, तोड़न, सदर दरवाजा, अट्टालिका और वृक्षों को भंग कर डालना, ये अच्छे हाथी का पराक्रम है। ऊंची नीची भूमि को पैदल सेना के लिए उपयोगी जानना चाहिए। रथ और घोड़ों के लिए समतल भूमि उत्तम है तथा कीचड़ से भरी हुई युद्ध भूमि हाथियों के लिए उपयोगी बताई गई है। इस प्रकार व्यूह रचना करके जब सूर्य पीठ की ओर हो तथा शुक्र, शनैश्वर तथा दिक्पाल अपने अनुकूल हो, सामने से मंद मंद हवा आ रही हो, उस समय उत्साह पूर्वक युद्ध करें तथा नाम एवं गोत्र की प्रशंसा करते हुए संपूर्ण योद्धाओं में उत्तेजना भरता रहे। साथ ही ये बात भी बताएं कि युद्ध में विजय होने पर उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी और मृत्यु के हो जाने पर स्वर्ग का सुख मिलेगा। वीर पुरुष शत्रुओं को जीतकर मनोवांछित भोग प्राप्त करता है और युद्ध में प्राण त्याग करने पर उसे परम गति मिलती है। इसके सिवा जो स्वामी का अन्न खाए रहता है उसके ऋण से छुटकारा पा जाता है, अतः युद्ध के समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं है। शूरवीरों के शरीर से जब रक्त निकलता है तब वे पाप मुक्त हो जाते हैं। युद्ध में जो शस्त्र प्रहार आदि का कष्ट सहना पड़ता है वो बहुत बड़ी तपस्या है। रण में प्राण त्याग करने वाले शूरवीर के साथ हजारों सुंदरी अप्सराएं चलती हैं। जो सैनिक हतोत्साह होकर युद्ध से पीठ दिखाते हैं उनका सारा पुण्य मालिक को मिल जाता है और स्वयं उन्हें पग पग पर एक एक ब्रह्महत्या के पाप का फल प्राप्त होता है। जो अपने सहायकों को छोड़कर चल देता है देवता उसका विनाश कर डालते हैं। जो युद्ध से पैर पीछे नहीं हटाते उन बहादुरों के लिए अश्वमेघ यज्ञ का फल बताया गया है। यदि राजा धर्म पर दृढ़ रहे तो उसकी विजय होती है। योद्धाओं को अपने समान योद्धाओं के साथ ही युद्ध करना चाहिए। हाथी सवार आदि सैनिक हाथी सवार आदि के ही साथ युद्ध करे, भागने वालों को न मारे। जो लोग केवल युद्ध देखने के लिए आए हों अथवा युद्ध में सम्मिलित होने पर भी जो शस्त्रहीन एवं भूमि पर गिरे हुए हों उनको भी नहीं मारना चाहिए। जो योद्धा शांत हो, थक गया हो, नींद में पड़ा हो तथा नदी या जंगल के बीच में उतरा हो उस पर भी प्रहार न करें। दुर्दिन में शत्रु के नाश के लिए कूट युद्ध, कपटपूर्ण संग्राम करें। दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से पुकार कर कहे, ये देखो हमारे शत्रु भाग चले, भाग चले। इधर हमारी और मित्रों की बहुत बड़ी सेना आ पहुंची, शत्रुओं की सेना का संचालन करने वाला मार गिराया गया, ये सेनापति भी मौत के घाट उतर गया, साथ ही शत्रु पक्ष के राजा ने भी प्राण त्याग दिया। भागते हुए विपक्षी योद्धाओं को अनायास ही मारा जा सकता है। धर्म के जानने वाले परशुराम जी शत्रुओं को मोहित करने के लिए कृत्रिम धूप की सुगंध भी फैलानी चाहिए, विजय की पताकाएं दिखानी चाहिए, बाजों का भयंकर समारोह करना चाहिए। इस प्रकार जब युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए तो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमात्य के द्वारा किए हुए युद्ध में जो रत्न आदि उपलब्ध हों वे राजा को ही अर्पण करने चाहिए। शत्रु के स्त्रियों पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, स्त्री शत्रु की हो तो भी उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। संग्राम में सहायकों से रहित शत्रु को पाकर उसका पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। उसके साथ पुनः युद्ध करना उचित नहीं है, उसके प्रति देशोचित आचार आदि का पालन करना कर्तव्य है। युद्ध में विजय पाने के पश्चात अपने नगर में जाकर ध्रुव, संज्ञक नक्षत्र, तीनों उत्तरा और रोहिणी में राजमहल के भीतर प्रवेश करें। इसके बाद देवताओं का पूजन और सैनिकों के परिवार के भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। शत्रु को यहाँ से मिले हुए धन का कुछ भाग भृत्यों को भी बांट दें। इस प्रकार ये रण की दीक्षा बताई गई है, इसके अनुसार कार्य करने से राजा को निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है।